नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों SSC MTS की रिगार्डिंग कोई भी नोटिस अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते हैं। दोस्तों आज आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि बहुत आपके जो एग्जाम है दोस्तों वो SSC MTS का पूरा हो चुका है, जैसा कि आप सबको पता है। अब दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों को इंतजार है कि हमारी आंसर की और हमारा रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो दोस्तों आपका ये इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। SSC MTS आंसर की और आपका रिजल्ट वो किस दिन आने वाला है दोस्तों, ये सारी न्यूज मैं आपको ऑफिशियल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों देखते हैं चलो पूरी न्यूज। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो पत्रिका में ये सारी न्यूज आई है। दोस्तों SSC MTS 2019 आंसर की परिणाम अगले महीने होंगे जारी। TET सेकंड है जो आपका, वो परीक्षा 17 नवंबर को होगी। पूरी न्यूज मैं आपको बता देता हूं ऑफिशियली, ये सारी न्यूज दोस्तों पत्रिका में सारी न्यूज आई है जो आप इस न्यूज पेपर आप ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि भारत का सबसे बड़ा ये न्यूज पेपर है। इसमें पूरी न्यूज आप यहां देख सकते हो। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2 अगस्त से 22 अगस्त तक आयोजित की गई मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती परीक्षा के परिणाम अगले महीने तक यहां पर जारी किए जाएंगे। 38 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था और 19.8 लाख मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। उम्मीदवारों का चयन 2 स्तरीय लिखित परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा। पहले चरण की परिणाम जारी होने के बाद दूसरे चरण की परीक्षा आयोजित की जाएगी। TET सेकंड परीक्षा 17 नवंबर 2019 को आयोजित की जाएगी। कर्मचारी आयोग चयन आयोग द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लगभग 11,000 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। SSC भर्ती के लिए कुल 38 लाख और 58,000 उम्मीदवारों ने यहां पर पंजीकरण कराया था जिनमें से 19 लाख 18,000 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए। SSC MTS एग्जाम 2019 देश भर में 2 से 22 अगस्त तक 146 शहरों में और 337 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा में 49.73% उम्मीदवारों ने उपस्थिति है वो दर्ज कराई है। उसके बाद आप यहां देख सकते हो SSC MTS 2019 आंसर की, तो आंसर की रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आई है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जल्द ही SSC की मल्टी टास्किंग MTS आपकी आंसर की 2019 जारी करेगा। परीक्षा आयोजित होने के साथ ही परीक्षार्थियों द्वारा थर्ड पार्टी वेबसाइट पर उत्तर कुंजी से मिलान किया जा रहा है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी जारी होने के बाद गलत उत्तरों पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन यहां पर करना होगा और साथ ही परिणाम भी अटैच करना होगा। SSC MTS 2019 रिजल्ट जारी करने से पहले आयोग द्वारा SSC MTS फाइनल आंसर की 2019 है वो जारी की जाएगी। SSC MTS आंसर की 2019 सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में आपकी शुरुआत में ही इसकी जो आंसर की है वो जारी की जा सकती है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है, लाखों अभ्यर्थियों के लिए आंसर की आपके आने वाली। तो दोस्तों आपके आंसर की अगले महीने में मतलब सितंबर फर्स्ट में आपकी यहां पर आंसर की आ जाएगी और सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट है वो भी यहां पर जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आप सेकेंड पेपर की तैयारी यहां पर कर सकते हो क्योंकि जब आपकी आंसर की है वो 5 से 7 दिन बाद में आपकी आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों SSC MTS के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस या कोई भी अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।